यार वीडियो लाइक करो नहीं तो मैं तुहानू थाना भावन नगर के एसओ च लवा देना जी। शब्द जल्दी जल्दी लाइक करो नहीं तो मैं तुहानू भर्ती करा देनी भावन नगर थाने ट्रैक्टर एसएच। यही नहीं अभी और सुनिए, मैं नवाज शरीफ बनना चाहता हूँ। सदमे में आए आप? इस मुल्क को तरक्की देना चाहता हूँ। चोरी करना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों हमारे मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हमारे हुक्मरानों ने आवाम को बेवकूफ बनाने का नया तरीका ढूंढ लिया है। दिन को भतीजी ने रोटी की कीमत 4 रुपए कम करके टशन दिखाए और रात को चचा ने पेट्रोल की कीमत 4 रुपए बढ़ाकर हिसाब बराबर कर दिया। दूसरी तरफ जरदारी साहब है, इनका तो लेवल ही अलग है। इनका कहना है कि क्रिकेट तो फजूल खेल है, हमारा कौमी खेल तो करप्शन है और दुनिया की कोई भी ताकत हमें करप्शन में शिकस्त नहीं दे सकती। हमारी हालत ये है कि 147 अरब डॉलर के मकरूज मुल्क का असिस्टेंट कमिश्नर 5 करोड़ की गाड़ी में बैठकर 6-7 गार्ड के साथ प्याज और टमाटर का रेट चेक करता है कि कहीं रेड़ी वाला कौम को लूट तो नहीं रहा। दूसरी तरफ हमारे यहाँ उम्रे पे उम्रा शरीफ फैमिली कर रही है और दर्जात पेट्रोल के बुलंद हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ फनी और मजाया तरीन लम्हात दिखाने वाले हैं, मगर उससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। सबसे पहले ये देख लें, बड़े मियाँ साहब आटे के तेले और तंदूर जोगे ही रह गए हैं। मियाँ साहब बोतल और बैंगन से बुरी तरह हारने के बाद तंदूर पर जाकर रोटियों का रेट पूछ रहे हैं। जुल्फकार अली भुट्टो कब्र से हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते भी हैं। हमारे बिल्लो रानी की नई बोंगी भी सुन ले। एक तो ये भुट्टो साहब पता नहीं कहां से नया जन्म लेकर आ जाते हैं, लगता है भुट्टो साहब का अभी भी मरने का कोई इरादा नहीं है। और आज भी कायदे आवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जिंदा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी शहादत के 45 साल बाद भी वो अपने कब्र में आराम करते हुए हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? एक तरफ मरियम नवाज की कनीजों का कहना है कि मरियम नवाज 600 रुपए का सूट पहनती है, हालांकि 600 में तो आजकल एक नाड़ा भी नहीं आता। मतलब इन्होंने आवाम को कुछ ज्यादा ही बेवकूफ समझा हुआ है। नवाज साहबा जो है वो कुछ 600-500 रुपए तक का लॉन का सूट पहनती हैं। अब मार्केट में दस्तयाब है सर लॉन का इतने का सूट? सर वो ना थोड़ा सा ना उनकी जो थी उनसे गलत बयानी हो गई। असल में वो या तो कुवैती दिनार का कहती या डॉलर का कहती, तो रुपए कहने का उनका मतलब रुपए में तो वो कुछ चीज लेते ही नहीं, रुपए में लॉन नहीं मिल रहा सर। वो रुपए में वैसे मरियम नवाज कोई चीज रुपए में नहीं लेती। दोस्तों पाकिस्तानी कौम 9 मई के उर्स की तैयारियां कर रही है, बल्कि इस भाई साहब ने तो 9 मई के उर्स पर चिप्स भी फ्री कर दिए हैं। हेलो ओला कालो। इसी तरह पाकिस्तानी कौम 9 मई के उर्स की तैयारियां कर रही थी, लेकिन ईद वाले दिन सानिया बावल नगर हो गया और पाकिस्तानी कौम उसी शुगल में लग गई है। डॉक्टरां दी रिपोर्ट दे मुताबक सुला सफाई दे नाल मेडिकल हो गया है। मेडिकल रिपोर्ट दे विच सिर्फ ए आया है। दूसरी तरफ नून लीग के ख्वाजा आसफ भी बारीक सी वारदात करते हुए पकड़े गए। अलामा इकबाल की वालदा के नाम से मंसूब ख्वातीन के अस्पताल को ख्वाजा आसफ ने अपने वालद के नाम से तब्दील कर दिया। ख्वातीन के अस्पताल के ऊपर किस मर्द का नाम होता है यार? आज तक नहीं सुना कि ख्वातीन का अस्पताल है और मर्द के नाम के ऊपर बना हुआ है। ख्वाजा आसफ को यह भी समझ नहीं आई कि मैटरनिटी हॉस्पिटल है उसके ऊपर अपने अब्बू का नाम लगा दिया। भाई आपने लगाना है तो किसी मर्दों का अस्पताल बना के वहां पे लगा दे, लेकिन वो भी आपका नहीं बनता। पब्लिक के पैसे से अस्पताल बन रहा है तो फिर उसको अब आपके वालिद के पैसों से तो नहीं बन रहा जिनका आप नाम वहां पे लगा रहे। अब आते हैं शेर अफजल मरवत की तरफ।
اس بندے نے اپنا ہی شغل میلہ لگایا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی مروہ صاحب ایک صحافی کے ساتھ دلچسپ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں محبت کا انداز پھول پکڑوانے سے نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کو سے محبت کا اظہار کرتے ہیں نا، کوئی پسندیدہ شخصیت ہے، مرشد ہو گیا، جو بھی جی کرتا ہے گال چوم لے۔ گال چوم لے جی، یہ لے پھول کون سے، تمہارے بھی بڑے بڑے بھرے گال۔ اچھا پھول کون۔ یہاں پر بھی مروہ صاحب کو بلوچستان کے لوگوں نے شاید ڈرا دیا ہے۔ مروہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اتنی بڑی بڑی چمیاں لیتے ہو، پتہ نہیں اپنی بیگمات کا کیا حال کرتے ہوں گے۔ بلوچستان کے لوگوں کا پیار کچھ زیادہ ہی ہے، باقی تو پیار ٹھیک ہے، لیکن یہ گال ہے کینچنا اور بڑی بڑی چمیاں لینا، خدا کا خوف کرو اپنے بیگمات کا کیا حال کرتے ہوں گے۔ دوستو، نواز شریف پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اب تو عربی بھی ہمارے میاں صاحب کو پہچان گئے ہیں۔ حسینہ مردہ باد، حسینہ مردہ باد، عمران خان زندہ باد، نواز شریف مردہ باد۔ کیا بولا تو نے؟ خان زندہ باد، نواز شریف مردہ باد۔ اس نمونے کو بھی دیکھ لیں، یہ مونچھوں والے سرکار تو موقع پر ہی مکر گیا۔ کہتے ہیں کہ عوام سے ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے، عوام نے تو ہمیں ووٹ ہی نہیں دیا، ہمیں تو زبردستی بٹھا دیا گیا ہے۔ نہیں، اب ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے، ہمارا جو عوام سے وعدے تھے وہ اس بنیاد پہ تھے کہ ہمیں اگر سمپل میجورٹی ملی، ہمیں تو سمپل میجورٹی لوگوں نے نہیں دی، تو اب ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، کولیشن گورنمنٹ میں تو کولیشن کا ایجنڈا ہوتا ہے، کسی پارٹی کا ایجنڈا تو نہیں ہوتا۔ جا کے علاج کرو اپنا۔ یہ بھی دیکھ لے جناب، پہلے لوگ شیطان سے پناہ مانگتے تھے، لیکن اب لوگوں نے سیاست دانوں کے نام ہی شیطان رکھ دیے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، پناہ مانگتا ہوں ان شیطانوں سے جس کا نام انمار اللہ کاکا اور جان چکی ہے۔ نون لیگ کی موجودہ حکومت اس وقت ایک مذاق بن کر رہ گئی ہے، اب تو ان کے اپنے لوگ ہی ان کو ذلیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ذرا یہ کلپ دیکھ لیں۔ میں پورے پاکستانی قوم کو چاند مبارک کہتا ہوں، عید مبارک، اور یہ چاند بالکل فارم 45 والا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے الحمدللہ۔ فارم 47 والا نہیں ہے، 47 والا بالکل نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔